ये कहानी एक ऐसी पहेली है जिसमें दो अलग अलग धार्मिक समूह की अलग अलग मान्यताएं हैं। एक समूह का मानना है कि जीसस क्राइस्ट की शादी हुई थी और आज भी हमारी दुनिया में उनके वंशज हैं, जबकि दूसरा समूह इस बात से पूरी तरह से इनकार करता है। पर एक ऐसा सबूत है जो सच को पूरी दुनिया के सामने ला सकता है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द विंची कोड। कहानी की शुरुआत में एक बहुत पुराने म्यूजियम के अंदर एक बूढ़े आदमी को भागते हुए दिखाया जाता है। वो भागते भागते गिर जाते हैं। तभी उनके सामने एक आदमी आता है जो अपने चेहरे से नकाब हटाता है। वो उनसे पूछता है कि मुझे कीस्टोन का पता बता दो। बूढ़ा आदमी अपनी जान बचाने के लिए उसे कीस्टोन का पता बता देता है। वो कहता है कि वो चर्च में है, रोज लाइन के नीचे। ये बताने के बाद भी वो आदमी इस बूढ़े आदमी को मार देता है और यहाँ से निकल जाता है। यहाँ से निकलने के बाद वो खूनी, जिसका नाम साइलेस है, एक आदमी को कॉल करता है जिसे वो टीचर कहता है। उसने आज तक टीचर को कभी भी नहीं देखा। वो टीचर को बताता है कि मैंने चारों लोगों को मार दिया है और चारों ने हमें कीस्टोन का एक ही पता बताया है। वो चर्च में रोज लाइन के नीचे है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस खूनी ने आज से पहले 3 कत्ल और किए थे और आज जिस बूढ़े आदमी का इसने कत्ल किया वो भी उसी ग्रुप का सदस्य था जिस ग्रुप के 3 लोगों को ये पहले मार चुका है। दूसरी तरफ से टीचर की आवाज आती है। वो कहते हैं कि अब तुम्हें चर्च जाकर रोज लाइन के नीचे से की स्टोन लाना होगा। वो खूनी कहता है कि ठीक है, पर पहले मैं अपने आप को सजा देना चाहता हूँ। वो अपने कमरे में लगे जीसस के क्रॉस के सामने जाता है। वो कहता है कि मेरे गुनाहों की मुझे माफी दे, और इसके बाद वो अपने आप को बहुत बुरी तरह से मारता है। यहाँ पर हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो धार्मिक कर्मकांडों की वजह से हो रहा है। अब ये खूनी साइलेस उस चर्च में जाता है जिस चर्च में की स्टोन है। वहां पर जो नन होती है वो इसे अंदर आने देती है, क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है वो धर्म के बहुत बड़े बड़े ठेकेदार है। उन्होंने नन को पहले कह दिया था कि रात को चर्च बंद होने के बाद हमारा एक आदमी आएगा, तुम उसे अंदर आने देना। अब साइलेस उस जगह जाता है जहां पर रोज लाइन है, जिसके नीचे की स्टोन है। वो वहां पर खुदाई करना शुरू करता है, जहां उसे एक पत्थर मिलता है। वो समझ जाता है कि ये कीस्टोन नहीं है। वहीं चर्च में ही नन को दिखाया जाता है जो उसी बूढ़े आदमी को कॉल करती है, जिस बूढ़े आदमी को इस कातिल ने, जो चर्च में खुदाई कर रहा है, जिसका नाम साइलस है, उसने मार दिया है। वो फोन पर मैसेज ड्रॉप करती है कि मैंने बाकी 3 लोगों को कॉल किया था, वो 3 के 3 मारे जा चुके हैं और अब ये लोग चर्च तक भी पहुंच चुके हैं। तभी वहां पर वो कातिल आ जाता है जो अंदर खुदाई कर रहा था। वो नन की सारी बातें सुन लेता है। वो नन से कहता है कि तुमने चर्च में सिस्टर होने के बाद भी प्रायरी ऑफ साइन के लिए काम किया, मुझे बताओ कि कीस्टोन कहां पर है। नन कहती कि मुझे नहीं पता। साइलेस नन को भी मारकर यहां से निकल जाता है। यहां पर हमें पता चलता है कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम प्रायरी ऑफ साइन है, जिनके पास कीस्टोन है। उस ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, जिनका लीडर टीचर है, जिसे आज तक कभी किसी ने नहीं देखा, जिसके लिए साइलेस काम करता है, वो प्रायरी ऑफ साइन से किसी भी कीमत पर कीस्टोन को हासिल करना चाहता है। इसीलिए साइन इतने सारे कत्ल कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक सिंबोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम रॉबर्ट है। वो एक अमेरिकन है, लेकिन पेरिस में वो एक लेक्चर के लिए आया होता है। सिंबोलॉजिस्ट उसे कहा जाता है जो पुराने जमाने के सिंबल्स यानी कि निशान देकर उनके इतिहास के बारे में बताते हैं। यहाँ पर रॉबर्ट के पास फ्रेंच पुलिस इंस्पेक्टर आता है और वो उन्हें उस म्यूजियम में ले जाता है जहां पर बूढ़े आदमी का कत्ल हुआ था। दरअसल उस बूढ़े आदमी ने रॉबर्ट को अपने पास बुलाया था। रॉबर्ट बताता है कि मेरी मुलाकात उनसे 1-2 हुई थी और हमारे बीच में कभी भी ऐसी दोस्ती नहीं थी कि वो मुझे बुलाएं। अब ये उस म्यूजियम में पहुंच जाते हैं जहां पर उस बूढ़े आदमी का कत्ल हुआ था। फ्रेंच पुलिस ऑफिसर बताता है हालांकि उस बूढ़े आदमी को गोली मारी गई थी, पर मरने से पहले उसने खुद अपने कपड़े उतारे, अपने शरीर पर और आसपास अलग अलग तरह के निशान बनाए। और जब रॉबर्ट उस बूढ़े आदमी की डेड बॉडी को और निशानों को देखता है तो वो बताता है कि जिस तरह से डेड बॉडी इस वक्त पड़ी है, ये हूबहू लियोनार्डो द विंची की सबसे फेमस पेंटिंग जिसका नाम वट्रुवियन मैन है, उस तरह की पोजीशन में है। वो यहाँ पर बहुत सारे निशान भी देखता है और जो निशान उस बूढ़े आदमी की बॉडी में जो उसने खुद बनाया है, जब वो उसे देखता है तो कहता है कि प्राचीन काल में अर्धनारेश्वर देवी का ये एक सिंबल है। फ्रेंच ऑफिसर पूछता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया,
रॉबर्ट कहते हैं कि मैं कैसे कह सकता हूँ। इसके बाद फ्रेंच ऑफिसर वहां पर उन्हें लाइट से एक हिडन मैसेज दिखाता है, जिस मैसेज का कोई भी मतलब नहीं होता। दरअसल यहाँ पर जो नंबर, जो मैसेज होता है, वो शब्दों को आगे पीछे करके लिखा होता है, जिसे डिकोड करना पड़ता है। तभी यहाँ पर एक क्रिप्टोग्राफर पुलिस ऑफिसर आती है, जिसका नाम सोफी होता है। क्रिप्टोग्राफर उसे कहा जाता है जो हिडन मैसेजेस को डिकोड करते हैं। वो बताती है कि मरने से पहले जो सीक्रेट मैसेज लिखा गया था, उसकी तस्वीरें हमें मिली थी, हमने उसे डिकोड कर लिया है। पर उसे बताने से पहले मैं चाहूंगी कि प्रोफेसर रॉबर्ट के लिए जो हमारे पास मैसेज है, जो उनकी एम्बेसी से आया है, वो उसे सुन ले। वो प्रोफेसर रॉबर्ट को अपना फोन देती है, जिसमें सोफी की आवाज आती है। सोफी ने उसमें उनके लिए मैसेज रिकॉर्ड किया होता है, जिसमें सोफी उन्हें बताती है कि तुम्हारी जान खतरे में है, पर इस बारे में किसी को कुछ मत बताना कि तुम्हें ये बात पता चल चुकी है। इसके बाद सोफी वहां से चली जाती है। प्रोफेसर रॉबर्ट भी बहाना करके वॉशरूम जाते हैं, जहां पर पहले से सोफी होती है। सोफी कहती है कि यहां पुलिस को तुम पे शक है, वो तुम्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं। प्रोफेसर को उसकी बात पर यकीन नहीं आता। सोफी कहती है कि तुम्हारी जेब में एक ट्रैकिंग डिवाइस है, तुम निकाल कर देख सकते हो। प्रोफेसर देखते हैं कि सच में उनकी जेब में एक ट्रैकिंग डिवाइस होता है। सोफी बताती है कि जो सीक्रेट मैसेज तुम डेड बॉडी के पास पढ़ रहे थे, उसकी आखिरी लाइन मिटा दी गई थी। वो उसे आखिरी लाइन दिखाती है, जहां पर लिखा था PS फाइंड रॉबर्ट। रॉबर्ट को पीएस का मतलब समझ नहीं आता। सोफी बताती है कि पीएस का मतलब है प्रिंसेस सोफी, यानी इस पूरी लाइन का मतलब हुआ प्रिंसेस सोफी प्रोफेसर रॉबर्ट को ढूंढो। रॉबर्ट को अभी भी कुछ भी अच्छे से समझ में नहीं आता। सोफी बताती है कि आज रात को जिनका कत्ल हुआ है, वो मेरे ग्रैंडफादर थे। बचपन में मैं उनके साथ रहा करती थी, वो मुझे प्रिंसेस कहा करते थे, और अब मैं चाहती हूँ कि मेरे ग्रैंडफादर जो पहली मेरे लिए छोड़कर गए हैं, तुम उसे सुलझाने में मेरी मदद करो। बदले में मैं तुम्हारी एम्बेसी तक तुम्हें सुरक्षित पहुंचा दूंगी। वहीं दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में दिखाया जाता है, जहां पर फ्रेंच पुलिस ऑफिसर होता है। उसे ट्रैकिंग डिवाइस से पता चल रहा होता है कि प्रोफेसर अभी भी वॉशरूम में है। तभी वो देखता है कि ट्रैकिंग डिवाइस बहुत तेजी से बाहर की तरफ जा रहा है। वो अपने आदमियों के साथ भागता हुआ वॉशरूम तक पहुंचता है। वो देखता है कि वहां पर खिड़की खुली हुई है, सामने एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी होती है। वो समझ जाता है कि प्रोफेसर उस गाड़ी में भाग गया है। वो अपने सारे ऑफिसर्स को लेकर इस म्यूजियम से निकल जाता है। अगले पल हमें वॉशरूम में सोफी और प्रोफेसर को दिखाया जाता है। दरअसल सोफी ने उस ट्रैकिंग डिवाइस को फायर ब्रिगेड की गाड़ी में डाल दिया था, जिस वजह से वो पुलिस ऑफिसर्स को धोखा देने में कामयाब हो गई। पुलिस के जाने के बाद वो रॉबर्ट के साथ वापस डेड बॉडी के पास आती है, जहां पर वो सीक्रेट मैसेज होता है। रॉबर्ट कहता है कि ये एक एनाग्राम है। एनाग्राम उसे कहा जाता है जो शब्दों की हेर फेर करके कुछ लिखा गया होता है, और अगर शब्दों को सही क्रम में लगा दिया जाए तो मतलब पता चल जाता है। रॉबर्ट शब्दों को सही क्रम में लगाता है, और ये मैसेज होता है लियोनार्डो द विंची, द मोनालिसा। लियोनार्डो द विंची की एक फेमस पेंटिंग है, जिसका नाम है द मोनालिसा। वो पेंटिंग इसी म्यूजियम में होती है, और जब ये मोनालिसा की पेंटिंग के पास जाते तो उस पेंटिंग में एक और एनाग्राम होता है, यानी कि एक और छुपा हुआ मैसेज होता है। प्रोफेसर रॉबर्ट उसे डिकोड कर देते हैं, और वो बताते हैं कि इसमें एक और पेंटिंग का नाम लिखा है, जिसका नाम है मडोना ऑफ द रॉक, जो कि लियोनार्डो द विंची की पेंटिंग होती है। ये उस पेंटिंग के पास जाते हैं, और जब ये उस पेंटिंग को हिलाते हैं तो उसके पीछे से एक पेंडेंट गिरता है। ये उस पेंडेंट को लेकर वहां से निकल जाते हैं, और पुलिस से छुपते छुपाते ये एक पार्क तक पहुंचते हैं, जहां पर ये एक बार फिर से उस पेंडेंट को देखते हैं। उस पर लिखा होता है हेक्सो 24, साथ ही दूसरी तरफ बहुत सारे डॉट्स होते हैं। ये समझ जाते हैं कि ये कोई पेंडेंट नहीं है, बल्कि ये एक की है। सोफी कहती है कि इस की में जो 24 लिखा है, ये कहीं का एड्रेस है, और ये दोनों के दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं। ये एक बहुत पुराना बैंक होता है, जहां पर बहुत सारे लॉकर्स होते हैं, और इन लॉकर्स को सिर्फ वही खोल सकता है जिसके पास चाबी है। यहां पर बैंक का मैनेजर आता है। वो कहता है कि तुम्हें चाबी को अंदर डालना होगा, और तुम्हारा जो 10 अंकों का अकाउंट नंबर है, उसे यहां पर टाइप करना होगा। तुम्हारा सामान तुम्हारे पास आ जाएगा। यहां पर सोफी को उसका अकाउंट नंबर नहीं पता होता। तभी उसे याद आता है कि उसके दादाजी की डेड बॉडी के पास एक नंबर लिखा था, जो कि एक एनाग्राम था, पर उसने उसे सुलझा लिया था। वो उस नंबर को यहां पर टाइप करती है, और तभी उसके सामने एक बॉक्स आता है। पर इससे पहले कि वो उस छोटे से बॉक्स को खोलते, यहां पर बैंक का मैनेजर आ जाता है। वो कहता है कि बाहर पुलिस आ चुकी है, आपको मेरे साथ आना होगा, आपका अकाउंट यहां पर सबसे पुराना
पुराना और सबसे खास है, इसीलिए इस अकाउंट के साथ इमरजेंसी में यहाँ से निकलने के लिए एक सेफ पैसेज का क्लॉज भी है, यानी कि इमरजेंसी आने पर इन्हें यहाँ से निकाला जाएगा। बैंक का मैनेजर पुलिस की नजरों में धूल झोंककर इन्हें यहाँ से अपने साथ निकाल कर ले जाता है। अब ये उस वुडन बॉक्स को खोलते हैं जिसे लॉकर से लेकर आए हैं। उसके अंदर एक क्रिप्टिक्स होता है जिसे सही वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से खोला जाता है। अगर कोई इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश करेगा तो इसके अंदर जो विनेगर की शीशी है वो टूट जाएगी और जिस कागज पर गुप्त संकेत लिखा हुआ है वो पूरी तरह से गल जाएगा, संदेश मिट जाएगा। दरअसल इस तरह के क्रिप्टिक्स का इस्तेमाल पुराने जमाने में बहुत ही गुप्त संदेश छुपाने के लिए किए जाते थे ताकि उन्हें कोई दूसरा इंसान पढ़ ना सके। अब यहाँ पर जो बैंक का मैनेजर है जो गाड़ी चला रहा है वो पीछे का दरवाजा खोलता है और वो इन दोनों पर गन तान देता है। वो कहता है कि पिछले 20 सालों से मैं इंतजार कर रहा था कि कोई इस बॉक्स को लेने के लिए आए और वो तुम निकले। वो इन पर गोली भी चलाता है। ये उस खुफिया मैसेज वाले बॉक्स को मैनेजर को दे देते हैं। मैनेजर जब गाड़ी का दरवाजा बंद कर रहा होता है तो रॉबर्ट ने वहां पर गोली का जो कवर होता है वो अटका दिया होता है, जिस वजह से दरवाजा बंद नहीं होता। रॉबर्ट अंदर से दरवाजे को बाहर की तरफ धकेलता है जिससे मैनेजर गिर जाता है। वो उससे बॉक्स लेकर उसके ट्रक में वहां से भाग जाते हैं। रॉबर्ट के मन में अब सोफी के लिए काफी सारे सवाल होते हैं। वो कहता है कि बचपन से तुम अपने दादाजी के साथ नहीं रहती, साथ ही साथ तुम उन्हें उनका नाम लेकर पुकारती हो। तुमने सालों से उनसे बात नहीं की। बचपन में वो तुम्हें पजल्स और क्रिप्टिक सुलझाने के लिए दिया करते थे। तुम कहती हो कि तुम्हें इतिहास से नफरत है। इंसान को केवल खुद के इतिहास से नफरत होती है। मुझे लगता है कि तुम्हारे दादाजी तुम्हें प्रायरी ऑफ साइन और होली ग्रेल के लिए तैयार कर रहे थे। सोफी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है प्रायरी ऑफ साइन और होली ग्रेल क्या ये सब कुछ सच है? रॉबर्ट कहता है कि मुझे नहीं पता, पर हम ऐसे लोगों की दुनिया में फंस चुके हैं जो मानते हैं कि ये सब कुछ सच है और इसके लिए वो अपनी जान तक दे सकते हैं। मैं एक होली ग्रेल इतिहासकार को जानता हूँ जो प्रायरी ऑफ साइन की बहुत वकालत करता है। ये दोनों की दोनों उस इतिहासकार के घर पर पहुंच जाते हैं जो रॉबर्ट को पहले से जानता है। रॉबर्ट उससे कहता है कि मैं होली ग्रेल और प्रायरी ऑफ साइन के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, मैं फंस चुका हूँ। वो इतिहासकार इन्हें होली ग्रेल के बारे में बताता है। वो कहता है कि वो एक औरत है। इसके बाद वो इन्हें लियोनार्डो द विंची की एक पेंटिंग दिखाता है जो कि बहुत ही फेमस है, जिसका नाम है द लास्ट सफर। वो इतिहासकार कहता है कि उस औरत को तुम इस पेंटिंग में देख सकती हो। सोफी कहती है कि इस पेंटिंग में कोई भी औरत नहीं है। दरअसल ये पेंटिंग जीसस की जिंदगी का वो लम्हा है जब उन्होंने आखिरी बार अपने शिष्यों के साथ खाना खाया था। अगले दिन उन्हें गिरफ्तार करके सूली पर चढ़ा दिया गया था। इतिहासकार कहता है कि अगर तुम ध्यान से देखोगी तो तुम्हें इसमें एक लाल बालों वाली औरत दिखेगी, और जब वो ध्यान से देखती है तो उस पेंटिंग में एक औरत भी होती है। सोफी पूछती है कि वो कौन है। इतिहासकार बताता है कि वो मेरी मैग्डेलिन है। ये नाम सुनकर सोफी कहती है कि वो एक प्रोस्टिट्यूट थी। इतिहासकार कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। 591 ईसा में उसे बदनाम कर दिया गया था, पर सच तो ये है कि वो जीसस की पत्नी थी। कुछ लोग इसे एक कहानी भी मानते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि ये सच था। जीसस अपने सभी शिष्यों में मैरी मैग्डेलिन से सबसे ज्यादा प्यार करते थे और उन्होंने उनसे कहा था कि वो उनके बाद उनकी जगह को संभालेगी, पर उसी दौरान जीसस को सूली पर चढ़ा दिया गया। उस वक्त मैरी मैग्डेलिन प्रेग्नेंट थी। वो जेरूसलेम से भागकर फ्रांस आ गई। यहाँ पर उसने एक बच्चे को जन्म दिया जो कि एक लड़की थी। ये वो दौर भी था जब मोक्ष पाने की अलग अलग दो थियरीज थी। मूर्ति पूजक ही मानते थे कि औरत की आराधना से मोक्ष मिल सकता है, जबकि आधुनिक चर्च वाले मानते थे कि जीसस की राह ही मोक्ष की राह है, इसीलिए औरतें उनके लिए खतरा बन गई। तब एक किताब छापी गई जिसमें पादरियों को ये आदेश दिए गए कि कैसे आजाद ख्याल वाली औरतों को तड़पा तड़पा कर मार दिया जाए। लेकिन ऐसे वक्त में जीसस की फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन थी, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम प्रायरी ऑफ साइन है। उसने जीसस की फैमिली को हमेशा प्रोटेक्ट किया, साथ ही साथ जीसस की वाइफ मैरी मैग्डलेन की कब्र को दुनिया से छुपा कर रखा। उन्हीं की कब्र का नाम होली ग्रेल है, जिसे कैथोलिक चर्च की एक हिडन ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम ओपस डे है सदियों से नष्ट करना चाहती है, क्योंकि कैथोलिक चर्च की मान्यताओं के हिसाब से जीसस के कोई भी वंशज नहीं थे, उन्होंने कभी शादी नहीं की थी। और अगर दुनिया के सामने बात ही सच्चाई आ गई कि जीसस ने शादी की थी, उनके वंशज है, तो उनकी पूरी थ्योरी सारी मान्यताएं पूरी तरह से झूठी साबित हो जाएंगी। इसीलिए वो सदियों से
प्रायरी ऑफ साइन के लोगों को मार रहे हैं। साथ ही साथ वो होली ग्रेल जो कि मैरी मैग्डलेन की कब्र है, जहां पर आज भी उसके अवशेष हैं, वो उसे पूरी तरह से नष्ट करना चाहते हैं, ताकि कभी भी दुनिया को ये ना पता चले कि जीसस की कोई पत्नी भी थी और उनके वंशज आज भी जिंदा है। यहाँ पर इतिहासकार को एक क्रिप्टन दिखाते हैं, जिसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो पूछता है, क्या ये असली चाबी है, क्या ये कीस्टोन है? रॉबर्ट कहता है कि हाँ, लेकिन इसके अंदर क्या हो सकता है? इतिहासकार कहता है कि इसके अंदर एक नक्शा होगा, जिससे हम होली ग्रेल तक पहुंच सकते हैं, पर इसे खोलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें जो कोड है उसे सिर्फ और सिर्फ सोफी खोल सकती है। दरअसल सोफी के ग्रैंडफादर, जिनका कत्ल हुआ था, वो प्रायरी ऑफ साइन के सबसे बड़े हेड थे। बचपन में पहेलियों और पजल्स के द्वारा उन्होंने सोफी को बहुत कुछ सिखाया था, पर वो उसे पूरी तरह से ट्रेन नहीं कर पाए थे, इसीलिए उसे सब कुछ अच्छे से याद नहीं होता। यहाँ पर अब साइलस आ जाता है। साइलस वही है जिसने सोफी के ग्रैंडफादर को म्यूजियम में मारा था। दरअसल वो कीस्टोन को हासिल करना चाहता है, ताकि वो होली ग्रेल तक पहुंच सके, पर इससे पहले कि वो इसे यहाँ से लेकर जाता, इतिहासकार उस पर हमला कर देता, उसे बेहोश कर दिया जाता है। इतिहासकार जानता है कि बाहर पुलिस है, इसीलिए वो अपने प्राइवेट प्लेन को बुलाता है और उसमें ये सब के सब यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और आदमी को दिखाया जाता है, जिसका नाम बिशप है, जो ओपस डे ऑर्गेनाइजेशन का हेड है। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो होली ग्रेल के रक्षक प्रायरी ऑफ साइन के लोगों को मारती है। बिशप कहते हैं कि एक बार होली ग्रेल मिल जाए, हम उसे पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। वहीं पर एक और आदमी होता है, वो बिशप से पूछता है, क्या तुम जीसस के वंश को भी खत्म कर दोगे? बिशप कहता है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार हमने सारे सबूतों को और होली ग्रेल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, तो कोई भी ये साबित नहीं कर पाएगा कि वो जीसस के वंशज हैं। पर जरूरत पड़ी तो जिस तरह से जीसस ने मानवता की भलाई के लिए अपनी कुर्बानी दी थी, उनके वंशजों को भी ऐसा ही करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ प्लेन में रॉबर्ट को दिखाया जाता है, जिसके पास कीस्टोन यानी क्रिप्टन का बॉक्स होता है, जिसके बाहर एक लोगो होता है। रॉबर्ट जब उस लोगो को निकालता है, तो उसके पीछे एक मैसेज होता है, जिसके हिसाब से लंदन में इन्हें उस जगह जाना है, जहां पर प्रायरी ऑफ साइन, जो कि होली ग्रेव की सदियों से रक्षा कर रहे हैं, उन योद्धाओं को दफनाया जाता था। लंदन में एक ही ऐसी जगह है जिसका नाम है टेम्पल चर्च, इसीलिए सब के सब अब लंदन पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बिशप को दिखाया जाता है, जो होली ग्रेल को नष्ट करना चाहता है। उसे टीचर का कॉल आता है, उसे बताया जाता है कि होली ग्रेल लंदन में है, वो जल्द से जल्द लंदन पहुंच जाए, जहां पर टीचर उसे होली ग्रेल की लोकेशन बताएगा, जिसके बदले वो इस ऑर्गेनाइजेशन से पैसे लेगा। और अब बिशप भी लंदन के लिए निकल चुका है। वहीं दूसरी तरफ लंदन में रॉबर्ट, सोफी और इतिहासकार, ये तीनों के तीनों टेंपल चर्च के अंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचकर इन्हें पता चलता है कि ये गलत जगह पहुंच चुके हैं, पर इससे पहले कि ये इस जगह से निकलते, यहाँ पर साइलस, जिसे ये अपने साथ बंदी बनाकर लाए थे और गाड़ी में रखा हुआ था, साइलस वही है जिसने सोफी के ग्रैंडफादर को मारा है, वो यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर इतिहासकार का असिस्टेंट भी होता है, वो रॉबर्ट को गन पॉइंट पर ले लेता है और उसके पास जो की स्टोन होता है वो उसे छीन लेता है। इतिहासकार को यहाँ से पकड़ कर ले जाते हैं, और अब इतिहासकार का जो असिस्टेंट होता है वो रॉबर्ट को और सोफी को मारना चाहता है, पर इससे पहले कि वो इन्हें मारता, ये दोनों के दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। वहीं इतिहासकार का जो असिस्टेंट होता है, वो साइलस को ओपस डे हाउस के बाहर छोड़ता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर इंतजार करो। इसके बाद वो एक दूसरी जगह जाता है, जहां पर उसके सामने एक आदमी होता है जो हमें दिखाया नहीं जाता। वो उसे कीस्टोन देता है, जिसके बदले उसे एक बहुत बड़ी रकम मिलती है। इसके बाद इतिहासकार का असिस्टेंट यहाँ पर ड्रिंक पीता है और उसे पीने के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहां पर इतिहासकार है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इतिहासकार ही टीचर है जिसने बिशप को लंदन बुलाया है। इसके बाद वो पुलिस को कॉल करता है, वो कहता है कि फ्रांस में जो चार कत्ल हुए थे, उसके जो मुजरिम है वो ओपस डे में है, यानी कि उसने ओपस डे ऑर्गेनाइजेशन के बिशप को और साइलस को फंसा दिया। पुलिस वहां पर पहुंच जाती है, साइलस पुलिस पर फायरिंग करता है, और इसी दौरान साइलस को लगता है कि उसके पीछे से पुलिस आ रही है। वो पीछे गोली चला देता है, पीछे और कोई नहीं बल्कि बिशप होता है। बिशप को गोली लग जाती है, जिससे वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। तभी पुलिस आकर साइलस को भी गोली मार देती है, जिससे साइलस की मृत्यु हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट और सोफी लंदन के उस सही चर्च तक पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें पहुंचना था, पर यहां पर इतिहासकार यानी कि टीचर भी आ जाता है। वो इन दोनों को गन पॉइंट पे ले लेता है और सब कुछ सच सच बता देता है कि किस तरह से उसने लोगों का इस्तेमाल किया। वो कहता है कि ये एक चमत्कार था कि तुम दोनों मेरे घर पर आए, और अब तुम्हें स्टोन की को यानी कि क्रिप्टेक्स को खोलना होगा, और ये तभी खुलेगा जब तुम इस पहेली का सही जवाब दोगी। पर सोफी को सच में नहीं पता होता कि इसे कैसे खोलना है।
रॉबर्ट कहता है कि मैं इसे खोलने की कोशिश करता हूँ। दरअसल जिस मकबरे के सामने इन्हें पहुंचना था वो न्यूटन का मकबरा होता है और रॉबर्ट उसके मकबरे के सामने जाता है जहाँ पर ब्रह्मांड के हर तरह के प्लैनेट्स होते हैं। रॉबर्ट बहुत देर तक सोचता है, वो क्रिप्टेक्स को घुमाता भी है और अगले पल वो इतिहासकार यानी टीचर को कहता है कि इसे खोला नहीं जा सकता। वो क्रिप्टेक्स को हवा में उछालता है, टीचर उसे जमीन पर गिरने से पहले पकड़ तो लेता है लेकिन वो फिर भी टूट जाता है, उसके अंदर से लिक्विड निकल जाता है। यानी उसके अंदर जो होली ग्रेल तक पहुंचने का नक्शा था वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है जो कि इतिहासकार को यानी कि टीचर को पकड़ लेती है। उनके पास उसके खिलाफ सारे सबूत होते हैं। जब टीचर को पुलिस पकड़ कर ले जा रही होती है तो वो समझ जाता है कि रॉबर्ट ने क्रिप्टेक्स उछालने से पहले उसके अंदर से नक्शा निकाल लिया था। इस बात से वो खुश होता है। वो कहता है कि तुम्हें होली ग्रेल को दुनिया के सामने लाना होगा। दरअसल ये जो इतिहासकार होता है दुनिया के सामने सच्चाई लाना चाहता था कि होली ग्रेल अभी भी एग्जिस्ट करती है और ये कोई कहानी नहीं थी बल्कि एक सच्चाई है और ऐसा करने पर इसे दुनिया में हमेशा याद रखा जाता, ये इसकी अपनी खोज होती। पर रॉबर्ट ने उसके पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। वहीं रॉबर्ट अब सोफी को कागज दिखाता है जो उसने क्रिप्टेक्स यानी कि कीस्टोन के अंदर से निकाला था। वो बताता है कि इसका जो पासवर्ड था, जो पहेली का आंसर था, वो एप्पल था क्योंकि न्यूटन के मकबरे में एक गोला कम था और ये गोला रिप्रेजेंट करता है एप्पल को क्योंकि जब उसके सामने एप्पल गिरा था तभी उसने ग्रेविटी की खोज की थी। और अब ये स्कॉटलैंड में उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर होली ग्रेल होनी चाहिए। सोफी को इस जगह पहुंचकर अपना बचपन दिखता है, उसे कुछ विजन्स आते हैं। वो कहती है कि मैं पहले भी यहां पर आ चुकी हूं। और तभी इन्हें दरवाजे पर एक निशान दिखता है। ये वही निशान होता है जो सोफी के ग्रैंडफादर ने मरने से पहले अपने शरीर पर बनाया था। जब वो गेट के अंदर जा रहे होते तो यहाँ पर जो इंचार्ज होता है वो उन्हें अंदर जाने से मना करता है। वो कहता है कि बंद हो चुका है। रॉबर्ट कहता है कि हम जल्दी वापस आ जाएंगे। ये दोनों अंदर जाते हैं तभी इन्हें दीवार के ऊपर छत पर कुछ तारे दिखते हैं जो की स्टोन के अंदर पेपर निकला था, यानी कि क्रिप्टेक्स के अंदर जो पेपर था उसमें एक लाइन लिखी थी कि होली ग्रेल तारों वाले आसमान के नीचे आराम कर रही है। और जब वो नीचे से कालीन को हटाते हैं तो वहां पर एक खुफिया दरवाजा होता है। वो नीचे तहखाने में जाते हैं और जिस जगह होली ग्रेल यानी कि मैरी मैग्डलिन का ताबूत होना चाहिए था जिसके अंदर उसके अवशेष हैं, वो ताबूत वहां पर नहीं होता। पर यहाँ पर बहुत पुरानी पुरानी लिपियां होती है जो हजारों साल पुरानी है जिसमें जीसस से लेके अब तक के सभी दस्तावेज होते हैं। यहाँ पर रॉबर्ट सोफी से पूछता है, बचपन में तुम्हारे और तुम्हारे दादाजी के बीच में जो अनबन हुई थी क्या उसका कारण तुम्हारे माँ बाप थे? सोफी कहती कि हाँ, मैं अपने माँ बाप के बारे में जानना चाहती थी और एक दिन जब मैं उनकी लाइब्रेरी में दस्तावेज देख रही थी तो वो वहां पर आ गए। उन्होंने मुझे बहुत डांटा और कहा कि कभी इस बारे में पता करने की कोशिश मत करना। वो मर चुके, उन्हें दफना दिया गया है। इसके बाद सोफी को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया और एक बार जब वो बिना बताए घर वापस आ जाती है तो वो देखती है कि उसके जो ग्रैंडफादर होते हैं वो अजीब से रिचुअल्स कर रहे होते हैं। ये देखकर सोफी को बहुत अजीब लगता है जिसके बाद उसने अपना घर छोड़ दिया था और कभी अपने ग्रैंडफादर से बात नहीं की। रॉबर्ट सोफी को बताता है कि वो तुम्हारे ग्रैंडफादर नहीं थे। वो उसे एक पुराना न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें पूरा परिवार होता है जो एक्सीडेंट में मारा गया था। इसमें सोफी की भी फोटो होती है। रॉबर्ट बताता है कि तुम्हारा पूरा परिवार है जो एक्सीडेंट में मारा गया था पर किसी तरह से तुम बच गई और इस राज को दुनिया से छुपा कर रखा। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था या किसी ने उन्हें मारा था, लेकिन एक बात मुझे समझ में आ गई है कि तुम ही आखिरी ब्लड लाइन हो, यानी जीसस क्राइस्ट और मैरी मैडलिन के वंश का आखिरी चिराग। सोफी को ये सुनकर बहुत आश्चर्य होता है। ये दोनों उस जगह से बाहर आ जाते हैं और तभी देखते हैं कि इनके सामने बहुत सारे लोग हैं। ये सब प्रायरी ऑफ साइन के लोग हैं जो कि ब्लड लाइन की हमेशा से रक्षा करते हैं। यहाँ पर एक बूढ़ी लेडी भी आती है। वो सोफी को बताती है कि वो उसकी ग्रैंड मदर है। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उस सब के सब शपथ लेते हैं कि वो सोफी की हमेशा रक्षा करेंगे। हालांकि सोफी की जिंदगी के अब सारे राज खुल चुके हैं, ये भी पता चल चुका है कि वो जीसस क्राइस्ट और मैरी मैडलिन की बेटी है। और इस बात का जो सबसे बड़ा सबूत था होली ग्रेल जिसके अंदर मैरी मैडलिन के अवशेष हैं, वो हमेशा के लिए खो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया इस बात पर विश्वास करती है कि जीसस क्राइस्ट की कभी शादी नहीं हुई थी, उनका कोई भी वंश नहीं है। रॉबर्ट सोफी को कहता है कि अब सवाल ये उठता है कि जीसस के वंशज पुरानी मान्यताओं को, पुराने धर्म को तोड़कर एक नई शुरुआत करेंगे या जो जैसा चल रहा है उसे वैसे चलने देंगे। रॉबर्ट कहता है, मुझे लगता है कि इंसान की जिंदगी में सबसे जरूरी जो चीज है वो है विश्वास।
रॉबर्ट को यहाँ पर एक और बात समझ में आ जाती है कि जिन्होंने सोफी को पाला था, जिन्हें वो अपना ग्रैंडफादर समझती थी, वो कभी भी होली ग्रेल को दुनिया से नहीं छुपाना चाहते थे, बल्कि वो सोफी थी जिसे वो दुनिया से छुपा कर रखना चाहते थे ताकि उसकी जान को कोई भी खतरा ना हो। वहीं अब रॉबर्ट सोफी से अलविदा कहकर वापस पेरिस आ जाता है और जब वो अपने वॉशरूम में शेव कर रहा होता है तो उसका गाल कट जाता है जिससे खून निकलता है, और जब खून सिंक के अंदर जाता है तो उसे कुछ पुराने लिंक्स याद आते हैं। वो एक किताब खोलता है जिसमें शाही खून के बारे में लिखा होता है, वहां पर एक लोगो भी होता है जिसमें आरागो लिखा होता है, और जब वो पेरिस की सड़कों पर जाता है तो सड़कों पर बहुत सारे उसी तरह के लोगो होते हैं। वो उनका पीछा करते करते एक बहुत पुराने म्यूजियम में पहुंच जाता है जो कि बहुत बड़ा होता है। वहां पर क्रिस्टल का एक पिरामिड भी होता है जिसके ऊपर खड़ा होकर रॉबर्ट आसमान की तरफ देखता है, और तभी उसे वो लाइन याद आती है जो क्रिप्टेक्स यानी कि कीस्टोन के अंदर कागज निकला था उस पर लिखी थी। उस पर लिखा था कि खुले आसमान के नीचे वो निश्चित होकर सोती है। रॉबर्ट समझ जाता है कि इसी के नीचे अंडरग्राउंड में होली ग्रेल है, यानी कि मैरी मैडलेन की कब्र है जिसके अंदर उसके अवशेष हैं। तभी हमें नीचे अंडरग्राउंड में वो ताबूत दिखाया जाता है जिसके अंदर मैरी मैडलेन है। इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2006 में रिलीज हुई थी। आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग है 6.6। इस मूवी का बजट था $125 million और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $760 million की। उम्मीद करते हैं कि ये मिस्ट्री थ्रिलर आपको पसंद आई होगी।